डियर स्टूडेंट, अब हम हल करते हैं वर्कशीट 10। वर्कशीट 10, तोड़ो द फ्लोइंग वर्ड्स, शब्दों को इनटू, ब्रेक इनटू होता है टुकड़ों में, टुकड़े करना सीखे। टू मीनिंगफुल वर्ड्स, दो शब्दों में टुकड़े करने हैं, वो भी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण। मीनिंगफुल क्या होता है अभी? अर्थपूर्ण, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे नेल कटर। नेल कटर क्या होता है अभी? नाखून काटने वाला नेल कटर, आपने देखा नाखून काटे होंगे। इसके दो शब्द बना दिए इसने, नेल और कटर। नेल माने नाखून होता है, कटर माने क्या होता है अभी? काटने वाला। कट्स एक वर्ब होती है, कट से बना है कटर, ठीक है। अब कट के लिए भी कई मीनिंग होते हैं बच्चों। एक होता है अब कोई चीज काटते हैं, अब दांत, नेल कटर से नाखून काटते हो तो कट आएगा, अगर दांतों से काटते हो तो क्या आएगा अभी? बाइट आएगा। कोई भी दांतों से काटी जाती है तो क्या आती है अभी? बाइट आती है। अब सब्जी काटने के लिए क्या आता है अभी? चोप आता है। चोप आने क्या आता है अभी? सब्जी काटना। लकड़ी काटते हैं तो कट आता है। अब है ये एयरपोर्ट, यहां पर क्या आएगा अभी? एयर, और यहां पर क्या आएगा अभी? पोर्ट। एयर माने वैसे हवा होती है, पोर्ट माने क्या होता है अभी? बंदरगाह होता है, और एयरपोर्ट का अर्थ होता है हवाई अड्डा, हवाई पतन या हवाई अड्डा। ये क्या अभी? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, बैक एक शब्द अलग हो गया, बैक माने होता है पीछे, पीठ भी होती है, और ग्राउंड माने क्या होता है अभी? मैदान होता है। क्या होता है अभी? मैदान। दो नए 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 शब्द बन गए, दोनों का मीनिंग है अलग अलग। बैक माने पीठ या पीछे, ग्राउंड माने मैदान, और बैकग्राउंड दोनों साथ मिल गए तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया। इसका मतलब है पृष्ठभूमि। क्या होता है अभी? पृष्ठभूमि या पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका, अब दोनों कह सकते हैं इसको, पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, पूर्व पीठिका भी कह सकते हैं, बैकग्राउंड। होमवर्क, होमवर्क होता है गृह कार्य। क्या होता है अभी? गृह कार्य। होम एक अलग शब्द बन गया और वर्क एक अलग शब्द। वर्क माने होता है कार्य करना, कार्य। होम माने घर होता है। नेक्स्ट देखिए भी, इंडोर। इंडोर क्या करोगे आप? यहां पर इन लगाओगे, यहां पर क्या लगाओगे भी? डोर। क्या लगाओगे भी? डोर। इन माने अंदर होता है, डोर माने दरवाजा होता है। इंडोर क्या होता है अभी? विलोम शब्द क्या होता है अभी? आउटडोर। क्या होता है अभी? आउटडोर। ये विलोम शब्द की बात हो रही है, इनका आउट होता है, डोर का डोर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर को हिंदी में बोलते हैं भीतरी। क्या बोलते हैं अभी? भीतरी या आंतरिक, अंतरंग, कई शब्द लग सकते हो। जैसे फुटबॉल, इसमें क्या आएगा अभी? फुट अलग आ जाएगा, बॉल अलग आ जाए। बॉल माने बॉल होती है, फुट माने क्या होते हैं अभी? पैर होते हैं, पैरों से जो खेलने वाली बॉल होती है उसको क्या कहते हैं? फुटबॉल बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, फुट का प्लूरल क्या होता है? बता सकते हो क्या? फुट का होता है फिट। क्या होता है अभी? फिट। आर्टवर्क, आर्टवर्क क्या होता है अभी? कलाकृति। क्या होती है अभी? कलाकृति। इसमें आर्ट अलग आ जाएगा, वर्क लगा जाएगा। आर्ट वाणी होती है कला, वर्क वाणी होता है कार्य। आर्ट वर्क, कला करती। यहां पर एक शब्द है समवन। समवन क्या होता है अभी? कोई। समवन क्या बोलते हैं अभी? कोई। इसमें सम अलग हो जाएगा, समवन होता है कुछ, वन वाणी क्या होता है अभी? एक होता ही, आपको पता ही है। अब ग्रैंड पेरेंट्स, यहां पर ग्रैंड शब्द क्या आ जाएगा अभी? ग्रांड शब्द अलग आ जाएगा, पेरेंट्स होते हैं माता पिता, वो अलग आ जाएगा। ये तो माता पिता हो गए, और ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए अभी? दादा दादी होते हैं आपके, ना ना नाना नानी या दादा दादी, इसका मतलब दोनों होते हैं, दादा दादी भी होता है और नाना नानी भी होता है। हैंडपम्प, एक होता है हैंड और ये क्या आ जाएगा अभी? पंप। पंप में एम साइलेंट है, पंप।
हैंडमैन हाथ होता है, पंपमैन क्या होता है अभी, पंप होता है हैंडपंप को, दोनों को साथ में क्या होगा अभी, नलकूप। एवरीडे क्या होता है अभी, प्रत्येक दिन, इसमें दो शब्द बनेंगे, एक तो बनेगा एवरी और एक बनेगा डे। एनीबडी भी क्या होता है अभी, कोई, एक शब्द बन गया एनी, एक बन गया बॉडी। ऐसे आप बना सकते हो, शब्दों को दिक्कत नहीं है। इसमें एक डस्टबिन, डस्टबिन को क्या कहते हैं अभी, कचरा पात्र, क्या कहते हैं अभी, कचरा पात्र। तो आप यहां पर क्या करोगे अभी, डस्ट पानी वैसे क्या होता है, डस्ट होती है धूल, क्या होती है अभी, धूल। रंज एक बिन, डस्टबिन हो गया। फुटपाथ, फुटपाथ क्या होता है अभी, फुटपाथ को आप ट्रैक कह सकते हो, क्या कह सकते हो अभी, ट्रैक कह सकते हो, ट्रेल कह सकते हो, पगडंडी। फुट अलग आ जाएगा, पाथ माने होता है रास्ता, वो अलग हो जाएगा, फुटपाथ। अब नेक्स्ट अपनी है वर्कशीट 11। इसमें क्या करना है अभी, पहले तो हमने ब्रेक किए थे शब्दों को, तोड़ा था, दो नए शब्द बनाए थे, अब यहां पर ज्वाइन करना है। अब आपको पता चल गया ना, ब्रेक का विलोम शब्द क्या होता है अभी, ज्वाइन। एक नया वन आपने अपोजिट याद कर लिया आज। ब्रेक मानी होता है तोड़ना, ज्वाइन मानी क्या होता है अभी, मिलाना, जोड़ना। तो ये याद रखना, ब्रेक का आप अपोजिट लिखोगे ज्वाइन। टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़िए, एंड और मेक होता है बनाना। न्यू वर्ड, ये नया शब्द बनाइए, क्या बनाइए अभी, नया शब्द बनाना है आपको। एग्जाम्पल इनसाइड, इनसाइड को आप इस प्रकार लिखोगे इनसाइड। यहां पर है सन, सूर्य होता है, लाइट क्या होती है अभी, रोशनी। यहां पर क्या आएगा अभी, सन लाइट, सूर्य की रोशनी। इनसाइड का अपोजिट क्या होता है अभी, आउटसाइड। आप यहां क्या लिखेंगे अभी, आउट साइड। अब इसमें नेक्स्ट देखो भी, लंच मानी क्या होता है अभी, दोपहर का भोजन होता है, सुबह सुबह जो भोजन करते हैं उसे क्या बोलते हैं अभी, ब्रेकफास्ट, क्या बोलते हैं अभी, ब्रेकफास्ट। दोपहर का भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं अभी, लंच। शाम का भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं अभी, डिनर, क्या बोलते हैं अभी, डिनर। एक रात्रिकालीन भोजन होता है जो रात को 11-12 बजे किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अभी, सफर, क्या बोलते हैं अभी, सफर, रात्रि भोजन। यहां पर लंच बॉक्स, लंच होता है दोपहर, बॉक्स वन डिब्बा होता है, दोपहर को जो भोजन करते हैं, जिसके अंदर भोजन ले जाते हैं उसे कहते हैं लंच बॉक्स, क्या बोलते हैं अभी, लंच बॉक्स। बटर जानते हो, मक्खन होता है, क्या होता है अभी, मक्खन। और फ्लाई मैन क्या होता है अभी, उड़ना, वर्ब होती है। और बटरफ्लाई क्या होता है अभी, बटर फ्लाई, दोनों साथ बन गए तो ये बन गई तितली, क्या बन गई अभी, तितली। हाउस वन होता है घर, बोट वन क्या होती है अभी, नाव। तो यहां पर हाउस को साथ रख देंगे ना, हाउस बोट, तो इसका अर्थ बन गया पानी में तैरने वाला घर, पानी पर तैरने वाला घर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पानी में तैरने वाला घर, हाउस बोट। ट्यूब जानते ही हो, नलिका होती है। लाइट माने क्या होती है अभी, रोशनी होती है। ये इसको दोनों को साथ मिलाएंगे तो क्या होगा अभी, ट्यूबलाइट, क्या बनेगा अभी, ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट को क्या बोलते हैं अभी, गुलिक प्रकाशक, हिंदी में इसको बोलते हैं गुलिक प्रकाशक। क्लास कक्षा होती है, रूम क्या होता है अभी, कमरा। क्लासरूम होता है कक्षा, कक्ष क्या होता है अभी, कक्षा कक्ष। आफ्टर होता है बाद में, नून होता है दोपहर, नून क्या होती है अभी, दोपहर। तो आफ्टरनून क्या होता है अभी, दोपहर बाद, दोपहर बाद। एयर माने होती है हवा, बैग माने होता है बस्ता, तो ये क्या आ गया अभी, एयर बैग, एयर बैग को एयर बैग ही कहते हैं।
अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है अभी, बास्केटबॉल, बास्केट क्या होती है अभी, टोकरी होती है, एक बॉल होती है टोकरी के अंदर डालते हैं उस खेल को क्या कहते हैं अभी, बास्केटबॉल। हाथों से खेलते, पैरों से जो खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं अभी, फुटबॉल। और हाथों से खेलते हैं उसे क्या कहते हैं अभी, हैंडबॉल भी कहते हैं। हैंडबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल। बुक मार्क, बुक माने होती है पुस्तक, मार्क माने होता है चिन्ह। और दोनों शब्दों को साथ मिल गए बुक मार्क। बुक मार्क को क्या कहते हैं अभी, अब याद रखना कोई भी कॉन्सोनेंट से पहले आर आता है तो उसको उच्चारण नहीं किया जाता, उसका उच्चारित नहीं होता वो, तो उसको बुक मार्क बोलो। ये ऐसे सेंटेंस है उसको मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, मार्क। आप डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखोगे तो ये मार्क नहीं होता, मार्क होता है। बुक मार्क को क्या कहते हैं अभी, पृष्ठ स्मृति कहते हैं हिंदी में, पृष्ठ स्मृति। याद रखना, कोई भी आजकल आपने नोट्स देखे होंगे, नोट्स के ऊपर जितने कोचिंग वाले अपना नाम लिखे देते हैं वो होता है बुक मार्क। स्टारफिश, स्टार माने क्या होता है अभी, तारा होता है। फिश माने क्या होता है अभी, मछली होता है। और मछली क्या होता है अभी, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ये भी याद रखना। जैसे शिप माने भेड़ का प्लूरल क्या होता है अभी, शिप ही होता है, उसी प्रकार फिश का भी क्या होता है अभी, फिश ही होता है। तो स्टार फिश क्या होती है अभी, एक मछली होती है जिसके 5-7 बाहें होती हैं, उसको स्टार फिश कहा जाता है।